Meghraj Jain. चालू नहीं हुआ है। अच्छा ये चालू। आदरणीय सभापति जी, मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 के संसद में पेश रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय रेल मंत्री जी का बजट लीक को तोड़ने वाला है। इसमें रेल का राजनीतिक उपयोग कम और जन उपयोगी ग्राहकों के प्रति जवाबदेह बनाने पर ज़्यादा जोर है। इस बजट में यात्रियों, खासकर गरीबों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुविधाओं तथा रियायतों की नई सौगात दी गई है तथा ऐसा प्रतीत होता है सरकार ने वाकई में पैसे की नहीं पैसेंजर की चिंता की है। नई रेलगाड़ियों का परिचालन, अंत्योदय एक्सप्रेस गरीबों के लिए कम किराए की गाड़ी, हम सफर ट्रेन मध्यम वर्ग के लिए तृतीय एसी ट्रेन, तेजस तेज रफ्तार वाली प्रति घंटा 130 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन, उदय व्यस्तम मार्गों पर अधिकतम यात्रिक सफर के लिए डबल डेकर ट्रेन, ऐसी ट्रेनें नई चालू करने की रेल मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। रेलवे स्टेशन पर खान पान की व्यवस्था, आधुनिक मशीनों से युक्त 10 नए बेस किचनों की स्थापना करना, रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के प्रत्येक स्टॉल पर दुग्ध उत्पादनों और आवश्यक दवाओं के लिए विक्रय की व्यवस्था करना, ई कैटरिंग की सेवाओं को 45 बड़े स्टेशनों से बढ़ाकर A1 और S श्रेणी के 408 स्टेशनों पर विस्तार करना, खान पान सेवाओं की गुणवत्ता को जांचने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट तथा बच्चों और शिशुओं गर्म पानी तथा दूध की आहार की उपलब्धता, ये एक विशेष बात है कि थर्ड पार्टी उसकी जांच करेगी तो उससे आहार जो है लोगों को खान पान की चीज़ें अच्छी मिल सकेगी। कमर्शियल लाइसेंस, स्टेशनों पर स्थानीय लोगों को कमर्शियल लाइसेंस दिया जाएगा जिसमें महिलाएँ, दिव्यांग, SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो आज समय की आवश्यकता है उन लोगों को इसमें से क्रम प्राप्त होगा। महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कोचों के अंदर बीच में उनको आरक्षण दिया जाएगा और 33% कैटरिंग व्यवसाय में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। वरिष्ठ बुजुर्गों के कोटा भी बढ़ाया गया है, प्रत्येक ट्रेन में 120 बर्थ उनको दी जाएगी। हवाई यात्रा की तर्ज पर रेलों में भी बुकिंग के समय यात्रियों को बीमे का विकल्प मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा कदम रेल मंत्रालय में उठाया है। यात्रियों को आर्थिक फायदा, यात्रियों को ठहरने की सहूलियत और विश्रामालयों में रेलवे में की आय बढ़ेगी। घंटे के हिसाब से रिटर्निंग रूम की और हम बुकिंग कर सकेंगे। सुविधाओं का डिजिटलीकरण होगा। रेल लाइनों का विस्तार, पिछले 6 वर्षों में 43.3 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत से विस्तार हुआ। 17-18 में औसत 13 किलोमीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। 18-19 में 19 किलोमीटर प्रतिदिन का लक्ष्य है। अगले वर्ष 2800 किलोमीटर रेल पथ चालू करने की रेल मंत्रालय की योजना है, जो रेल के लिए बहुत यात्रियों के लिए सुविधा होगी। नई गाड़ी चलाने में हमको उसमें और सुविधा हो सकेगी। रिसाइकिलिंग वेस्ट स्लीपर, पर्यावरण हितैषी प्लास्टिक कचरे का निस्तारण संभव। ठोस प्लास्टिक से निर्मित स्लीपर बनाए जाएंगे। जो आज जो स्लीपर हैं कभी सड़ जाते हैं जंग से, लोहे के सीमेंट के टूट जाते हैं और लकड़ी के गल जाते हैं, ऐसे उनके स्थान पर ये प्लास्टिक के स्लीपर लगाए जाएंगे, जो उसमें आवाज़ भी कम होगी और उनमें रखरखाव भी कम होगा और रेलवे का खर्चा कम होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में 100 मेगावाट बिजली की ऊर्जा, सौर ऊर्जा से रेल चलाने का प्रस्ताव आया है, वो वास्तव में रेल का खर्चा कम करेगा और एक पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे लिए लाभदायक होगा। रेल की ज़मीन पर बागवानी, गाँव के अंदर जो है रोजगार बढ़ेगा और रेल के आसपास जो ज़मीन पड़ी हुई है उसके अंदर बागवानी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और रेल की भी आमदनी होगी। चौकीदार वाले, 1000 बिना चौकीदार वाले जो लेवल क्रॉसिंग है वो बंद किए गए हैं पिछले वर्ष, और 820 रोड ओवर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज को पूरा किया गया है। 1500 RB और ये इन पे भी कार्य प्रगति पर है। देश में 3 नए रेल कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण दिल्ली और चेन्नई, पूर्व पश्चिम खड़गपुर से मुंबई तथा पूर्वी समुद्र तट खड़गपुर से विजयवाड़ा, माल को जल्दी पहुंचाने में सुगमता होगी, लागत में कमी आएगी और रेलवे को मुनाफा होगा। ये वास्तव में आज समय की आवश्यकता है जिसको रेलवे ने और हमारे रेल मंत्री जी ने इसको इसमें बजट के अंदर प्राथमिकता दी है। गत वर्ष मैंने अपने बजट के भाषण में बोलते समय एक बात कही थी कि दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन था सराय रोहिल्ला,
वो एंटीक स्टेशन और बाबा आदम के ज़माने का था। मैं अभी गया था उस स्टेशन पर, बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि उस पूरे स्टेशन का कायाकल्प हो गया और आज एक आधुनिक स्टेशन के रूप में वो हमारे सामने है। उसके लिए मैं रेल मंत्री जी का बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ, आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के यात्रियों के लिए, जो गुजरात और राजस्थान जाने वाले यात्री थे, उनकी सुविधा के लिए बहुत बड़ा ये एक काम किया है। मध्य प्रदेश के रेल बजट में मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। नई हमारी जो मांगे थी वो सारी मांगे, इंदौर के रेलवे स्टेशन का विस्तार, प्लेटफार्मों का विस्तार और रेल उदयपुर, अपने छोटा उदयपुर होकर के रेलवे लाइन दाहोद से इंदौर, दाहोद इंदौर खंडवा, इन सब रेलवे लाइनों के लिए बजट में पैसा रखा है। पर मेरा थोड़ा आग्रह था कि अगर इंदौर दाहोद लाइन के लिए जो 100 करोड़ रखा है वो अगर और बढ़ाया जाता तो बहुत अच्छा होता, उससे हमारा उस इलाके का जो वनवासी क्षेत्र का इलाका है उसमें ज़्यादा लाभ होता। मैं कुछ और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर हावड़ा गाड़ी 22911 करीब 1736 किलोमीटर की 32 घंटे चलने वाली ये ट्रेन है इंदौर हावड़ा, उसके अंदर पेंटिंग वो नहीं है, पेंट्री कार नहीं है। तो पेंट्री कार नहीं होने से चाय तक मिलना दुभर होता है और बहुत परेशानी उस ट्रेन के अंदर होती है। तो मेरा निवेदन है कि इतनी लंबी दूरी की चलने वाली गाड़ी उसमें पेंट्री कार होना चाहिए। ऐसे ही जबलपुर से वेरावल जो गाड़ी चलती है उसका भी बहुत लंबा 1570 किलोमीटर चलती है और करीब 28 घंटे वो रन करती है। उस गाड़ी में भी दोपहर से चलती जबलपुर से और दूसरे दिन शाम को जाकर के वो वेरावल पहुँचती है, उसमें भी पेंट्री कार नहीं है। तो इसके बारे में भी चिंता करना चाहिए ताकि यात्रियों को जो है बहुत परेशानी होती है वो ठीक हो जाए। आदरणीय रेल मंत्री जी, राजस्थान संपर्क क्रांति दिल्ली से 3 दिन चलती है बीकानेर के लिए और उसमें भी जो एक स्टेशन है मूलवा मारवा, जो काफ़ी वहाँ का मैं हर महीने जाता हूँ, हमको वहाँ जा करके नागौर में उतरना पड़ता है और वहाँ से फिर 20-22 किलोमीटर हमको चल करके आना पड़ता है। मुंडवा मारवाड़ एक नगर पालिका का केंद्र है, अच्छा स्टेशन है, वहाँ काफ़ी यात्रियों को परेशानी होती है। अगर उस ट्रेन के लिए 2 मिनट के लिए आप वहाँ उसको रोकें और उसको 7 दिन चलाएं तो ज़्यादा ठीक होगा। दिल्ली जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस प्रतिदिन चलती है, ये जो संपर्क क्रांति चलती है 3 दिन, इसमें भी आधे डिब्बे बीकानेर जाते और आधे डिब्बे जोधपुर जाते हैं, जबकि मंडोर एक्सप्रेस जोधपुर के लिए रोज़ चलती है। तो उसमें भी 3-4 डिब्बे बीकानेर की तरफ अगर जाने के लिए कर दिया जाए तो बहुत बहुत नागौर के और मुंडवा के इधर के लोगों को, यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सारंगपुर रेलवे स्टेशन है शाजापुर राजगढ़ जिले का, तो वहाँ पर केवल 2 ट्रेनें रुकती है जबकि वो बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है। तो इंदौर ग्वालियर इंटरसिटी और देहरादून उज्जैन, ये वहाँ पर 2 दिन के लिए चलती है देहरादून उज्जैन सप्ताह में, तो उनका स्टॉपेज वहाँ पर सारंगपुर में कर दिया जाए तो बहुत बहुत वहाँ के लोगों को, व्यापारियों को, सबको जो है उससे फायदा होगा। इस प्रकार मैं माननीय रेल मंत्री जी ने जो ये बजट प्रस्तुत किया उसका समर्थन करता हूँ और जो मैंने मांग रखी है मैं निवेदन करता हूँ कि उस मांग के ऊपर आप ध्यान देंगे। एक बार मैंने गए बार बजट में के समय में बोला था कि मेरे को 5 स्टेशनों पर पानी पीने की मशीनें लगाना है, पर सरकार मतलब रेलवे विभाग खुद लगा रहा है इसलिए वो नहीं लगा पाया। मेरा 25 लाख रुपए का वो बजट मेरे पास अभी भी सुरक्षित, मैंने उसको रखा है और मैं सोचता हूँ कि एक निवेदन करना चाहता हूँ रेल मंत्री जी से कि कोई भी एक एक स्टेशन सब सांसदों को, जैसे गांव गोद दिया जाता है स्टेशन भी गोद दे दें, तो हम उस स्टेशन पर जो बाकी छोटी मोटी कुर्सी लगाने का, शेड लगाने का, छोटे शेड लगाने का काम हम कर सके, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। पर ये रेल अधिकारी उस हम सांसदों से संपर्क करें, ये भी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ ताकि ये काम पूरा हो सके। धन्यवाद।